हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट दी कंप्यूटर प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करने से पहले हमारी जो बेसिक चीज़ है वो है कंप्यूटर किस सही तरीके से कैसे स्टार्ट करते हैं एंड प्रॉपर तरीके से कैसे शट डाउन करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर कि हमारे साथ हमारे कोई बड़े हो ताकि वो हमें और अच्छे से गाइड कर सकें। ओके, तो लेट्स प्रोसीड। ओके, हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। स्टेप वन, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई। सबसे पहले जो हमारा स्टेप वन है वो क्या है, जो हमारा मेन पावर सप्लाई है उसे हमें स्विच ऑन करना है, ठीक है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो ये हमारा पावर बटन है उसे हमें स्विच ऑन करना है। ओके, स्टेप टू, स्विच ऑन द UPS बटन। जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, हमारा जो UPS है उसका जो बटन है हमें उसे स्विच ऑन करना है। ओके, जो बटन है वो कहाँ है, जो ये हमें बिग बटन है हमारा UPS का उसे ऑन करना है। स्टेप थ्री, स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑफ द CPU। देन थर्ड स्टेप है हमारा, हमारा जो CPU है उसका पावर बटन ऑन करना है। अब जो CPU है उसमें जो हमारा ये बॉक्स है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कंप्यूटर ऑन द बटन, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा CPU है, हमारा जो बॉक्स है उसका, उसमें जो ये हमारा बटन है, ये जो बिग बटन है उसे हमें प्रेस करना है, हमें पुश करना है। और जो हमारा लैपटॉप है उसमें हमारा जो ऊपर कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है, एज यू कैन सी हियर, हमें उसे पुश करना है, हमें उससे ऑन करना है, ठीक है। स्टेप फोर, स्विच ऑन द मॉनिटर बटन। फिर हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, हमारा जो मॉनिटर है, हमारा जो टीवी है, जो मॉनिटर है स्क्रीन वाला, उसका जो बटन है, जो मेन बटन है, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, उसे हमें ऑन करना है। ओके, देन उसके स्विच ऑन करने के बाद हमें मॉनिटर पे ये स्क्रीन दिखेगी, ये हमारी क्या है, वेलकम स्क्रीन। यू विल सी अ वेलकम स्क्रीन ऑन मॉनिटर। ओके, ये हमारी वेलकम स्क्रीन है, ठीक है। हर कंप्यूटर में अलग अलग वेलकम स्क्रीन होती है, मतलब अलग अलग वॉलपेपर्स होते हैं, तो ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, देन उसके बाद जो हमारी वेलकम स्क्रीन आएगी, उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन है, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज नोन एज डेस्कटॉप। जो वेलकम स्क्रीन है उसके बाद जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन आएगी उससे हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये जो भी है ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन आएगी उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप है। द डेस्कटॉप हैज़ मैनी स्मॉल पिक्चर्स नोन एज आइकन्स। डेस्कटॉप पे हमें छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये हमारे आइकन्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। ओके, एट द बटन बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। और जो हमारे डेस्कटॉप है, जो हमारे डेस्कटॉप के बॉटम पर ही जो ये स्ट्रिप दिख रही है, ये ऐसी लाइन दिख रही है,
वो क्या है, टास्क बार। एज यू कैन सी हम यहाँ पर डेट देख सकते हैं, यहाँ पर कितने सारे एप्लीकेशंस ओपन हो रखे हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, और ये हमारा स्टार्ट बटन है। ओके, अब हमने कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया। अब हम देखेंगे, अब हमने जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करे, हमने कंप्यूटर चलाया, उसके बाद अब हमें कंप्यूटर शट डाउन करना है। हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर, प्रॉपर तरीका हम देखेंगे शट डाउन करने का। ओके, स्टेप वन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हमें सबसे पहले क्या करना है शट डाउन करने के लिए, वो है हमारा ये स्टार्ट बटन। या हमारे डेस्कटॉप पे मैंने आपको नीचे बताया था, टास्क बार पे हमारा यहाँ पर राइट लेफ्ट कॉर्नर पे ये हमारा शट डाउन बटन, ये हमारा स्टार्ट बटन है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे माउस के थ्रू। ओके, स्टेप्स टू, क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन। अब हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक करा, उसके बाद हमें ऐसी हमें ये शट डाउन बटन शो होगा। ठीक है, अब हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, देन उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन होने लगेगा, एंड हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट फॉर सम टाइम टिल द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ कम्प्लीटली। उसके बाद ऐसी हमें हम शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें ऐसी स्क्रीन शो होगी, एंड हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जब तक कि कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑफ ना हो जाए, टर्न ऑफ ना हो जाए। ओके, जब तक हमारी स्क्रीन ब्लैक नहीं हो जाती है तब तक हमें वेट करना है। देन स्टेप फोर, जब स्क्रीन ब्लैक हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन। ये हमारा मॉनिटर बटन है, इसको हमें स्विच ऑफ करना है। ओके, स्टेप फाइव, स्विच ऑफ द यूपीएस बटन। हमने जैसे स्विच ऑन करा था जिस बटन के थ्रू, उसी बटन के थ्रू हम स्विच ऑफ करेंगे। ये हमारा यूपीएस है और इसका बटन हम स्विच ऑफ करेंगे। स्टेप सिक्स, स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मेन पावर सप्लाई बटन ऑन करा था उसे हम ऑफ कर देंगे। ओके, और हमारा कंप्यूटर कंप्लीटली शट डाउन हो गया। तो ये हमारा प्रॉपर स्टेप्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर एंड टू शट डाउन द कंप्यूटर। ओके, अब हम नोट देखते हैं। स्विचिंग ऑफ द मेन पावर डायरेक्टली विदाउट शटिंग डाउन द कंप्यूटर कैन हार्म द कंप्यूटर। मतलब अगर जब तक हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से शट डाउन नहीं हुआ, जब तक हमने सारे बटन्स ऑफ नहीं करे और हमने डायरेक्टली हमारा जो मेन पावर बटन है उसे स्विच ऑफ कर दिया, तो वो हमारे कंप्यूटर को हार्म भी कर सकता है, वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो हमारा कंप्यूटर हार्म होने से बच सकता है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।